69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले की जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन स्थित मैदान में प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द आरक्षण घोटाले में जांच करवानी चाहिए और सभी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चयन से बाहर हो गए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए। देखिए, आज धरने के 36 दिन हो गए, हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम मांग क्या रहे हैं। जो लोग भी सुनते हैं कहते हैं, भैया आपकी मांग तो एकदम संवैधानिक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, थोड़ा ध्यान से इस बात को चलाइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग है, उसने बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है। 2 साल पहले एक भर्ती हुई 74 शिक्षक भर्ती, उसमें उन्होंने बताया कि ओबीसी को 27 की जगह 3.86% और एससी को 21 की जगह 16.6% आरक्षण इस भर्ती में मिला है। हम लोग बीजेपी के जो महासम्मेलन हो रहे हैं ओबीसीओं के, वहां जाते हैं तो सुनने को मिलता है हमको कि हमने ओबीसी समाज के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, यहां तक प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब पिछड़ों का, दलितों का हनन नहीं होगा, आयोग बनाए जा रहे हैं और हम अब पिछड़ों का कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो आपसे हम बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं पूरे समाज से कि अगर आयोग बनाया गया है और उसकी रिपोर्ट आ रही है और उसमें कहा गया है कि नुकसान हुआ है इस भर्ती में, तो फिर हमारे ये नेता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री हमें न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं। एक बात सुन लीजिए कान खोलकर कि हम ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, उसके साथ साथ हम शिक्षक बिरादरी से भी आते हैं। हमारी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है, हमें हमारा हक दे दीजिए। अभी हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, नहीं प्रलय लाएंगे और उस प्रलय में आपको बाहर ले जाएंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लगभग 6,000 पदों पर घोटाला हुआ है। उनका चयन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आरक्षण विरोधी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इस भर्ती में घोटाला किया और अन्य वर्गों को भर्तियां दी। और हम यही चाहते हैं कि हमारा मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो। अधिकारी इधर टालमटोल कर रहे हैं। अधिकारियों से भी कहना है कि अगर आप सचेत नहीं हुए, अगर आपको नौकरी अपनी प्यारी है और आपको जेल नहीं जाना है आरक्षण घोटाले में, क्योंकि 20,000 सीटों का घोटाला बहुत बड़ी बात होती है, 20,000 परिवारों में खुशियों का हनन। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि वह दिवाली का त्योहार मनाने अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में ही बैठे रहेंगे और यहीं पर इस बार दिवाली मनाई जाएगी। सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा भी परिवार है और त्यौहार जो होता है खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई खुशियां है ही नहीं। 136 दिन एक सरकार के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हमने जिंदगियां जी हैं। यहाँ पर हम गर्मी शुरुआत किए थे, उस समय कड़कती धूप हुआ करती थी, बरसात हुआ करती थी, तूफान हुआ करते थे। आज मौसम की मार झेल रहे हैं, बीमारियां झेल रहे हैं हम, लेकिन हम जाएं तो किस मुंह से जाएं? हमारे घर वाले पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो हम उनको बताने में समर्थ होते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारा काम होगा और हमें खुशियां मिलेंगी, तब हम त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, सच्चाई भी यही है कि त्यौहार उनके लिए है जिनके पास खुशियां हैं, जिनके पास सम्मान है, जिनके पास अपना अधिकार है। हमारे पास ना खुशियां हैं, ना हमारा अधिकार है, ना हमारा सम्मान है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 136 दिन से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। कई अभ्यर्थी भीषण गर्मी और बारिश के दौरान बीमार भी पड़ गए, कुछ को डेंगू के प्रकोप ने भी जकड़ लिया, फिर भी वह डटे रहे और अपनी मांग को लगातार आगे रखने का काम कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वह प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से अजितेश कुमार की रिपोर्ट।